नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत स्वागत है एक और वीडियो में आज हम देखने वाले हैं अपने बलेनो जीटा का जो एम है या फिर जिसको कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर उसके कुछ गिने चुने फीचर्स मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि इसमें क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है तो पहले जब आप कार में घुसते हैं आपको ये एक बार दबाना होता है दबाएंगे तो आपको यह डिस्प्ले होगा प्लस ब्रेक एंड क्लच टू स्टार्ट फिर यहीं तक ये रह जाएगा अगर आप इसको दोबारा दबाएं, तो ये चालू हो जाएगा पहले आपको सेंटर में एक टाइम दिखाएगा एक क्लॉक है डिजिटल है और यहाँ पे आपको अलार्म्स मिल रहे हैं जो कि है सीट बेल्ट का बैटरी डिस्चार्ज का वो सब है और ये हैंड ब्रेक का और ये स्टीयरिंग। और यहाँ पे आपको एक मिल जाता है टैकोमीटर जहाँ पे रीडिंग आठ हजार तक है और साढ़े छः हजार पे रेड लाइन आ जाता है और ये इंजन का है कि कितना गर्म है या ठंडा है एच मतलब हॉट सी मतलब कोल्ड अभी बीच में है ये और यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है 220 तक इसकी रीडिंग है और नीचे फ्यूल कितना है वो दिखाता है बीच में आपको जो मिल जाता है अब इसका ग्राफिक्स देख लीजिए बहुत ही शानदार लगता है देखने में चाहे इसके कलर्स हो या फिर इसका डिज़ाइन हो या फिर इसका ईज ऑफ रीडिंग हो जो भी हो ऊपर में आपको टाइम मिलता है टेम्परेचर मिलता है नीचे की तरफ अगर आप आए आपको पहले जो नीचे वाला किलोमीटर आपको यहां दिख रहा होगा कि दो किलोमीटर डिस्प्ले है एक 515 और एक 9858 एट फाइव एट किलोमीटर्स तो इन दोनों का मतलब क्या है दो अलग अलग क्या चीज है तो ये जो नीचे का जो है 9858 एट फाइव एट किलोमीटर्स ये है कि आपने जब कार ली है या फिर कार जब मैनुफैक्चर हुई है तब से लेकर आज तक कितनी कार चली है मतलब इसका टोटल रनिंग और ये जो ऊपर का है फाइव वन फाइव यह है ट्रिप इसको आप मैन रीसेट कर सकते हैं इसको दबाते इसको अगर आप दबाएंगे तो आप यहाँ पे देखिए फाइव वन फाइव के बगल में ए लिखा हुआ है इसको करेंगे तो ये हो जाएगा बी इसको मैंने रीसेट आज तक नहीं किया इसीलिए ये पूरा किलोमीटर ही दिखा रहा है और ए और बी आपको दोनों मोड्स मिल जाएंगे मतलब दो अलग अलग रीडिंग रख सकते हैं आप और यहाँ पे आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखाएगा जो कि अभी बीस की दिखा रही है लगभग ये इसलिए क्योंकि मैं अभी हाईवे से ही चल के आया हूँ इसीलिए इतना दिखा रही है और नीचे आपको रेंज मिल जाता है जो कि अब जो कार में फ्यूल बची है मतलब इतना बचा है फ्यूल अभी इस फ्यूल में कार कितनी दूर चल जाएगी और ये जो ऊपर का ग्राफिक्स देख रहे हैं ये भी मतलब देखिए ये एरो है ये 20 के थोड़ा ज्यादा है मतलब 20.3 जो दिखा रहा है फ्यूल इकोनॉमी वो डिजिटली यहाँ पे दिखा रहा है अगर आप इसको फिर से दबाएंगे ये फिर से आपको यही दिखा रहा है जो माइलेज है एक और बार दबाने से ये ड्राइविंग टाइम दिखा रहा है यहाँ पे। फिर से अगर आप दबाएंगे तो एक मैनुअल सा क्लॉक आ जाएगा फिर ये जो सबसे इंटरेस्टिंग है पावर और टॉर्क। ये तब काम में आता है जब कार स्टार्ट होता है देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ को क्लच दबा के कार स्टार्ट हो चुकी है और अगर मैं एक्सीटर दबाऊँ तो आप देखना ये कितना उठेगा ये समझ गए तो चलिए अब इग्निशन को बंद कर देते हैं बेकार में फ्यूल क्यों पिए हाँ फिर अगर इसको हम कर दें हाँ ये थोड़ा टाइम लेता है आने में इग्निशन स्विच पोजीशन, हाँ हाँ ठीक है हाँ तो यही इसके कुछ अलग अलग डिस्प्ले मोड्स थे ये ब्लैंक स्क्रीन आ जाता है अगर फिर से दबाएंगे तो वो वह फ्योलकोनोमी वाला चीज आ जाएगा अगर आप इसको दबा के रखे इसको बोलते हैं प्रेस एंड होल्ड तो ये आपका सेटिंग्स खुल जाता है और इसी में इसका असली खेल है देखिए अभी ये बैक पे सिलेक्ट है अगर इसको आप नीचे लाना चाहते हैं इस चीज़ को ये जो है सर आपको ये दिख, ये मूवमेंट दिख रहा है क्लॉकवाइज अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये नीचे आएगा देखिए मैं इसको घुमा रहा हूँ आप देखिएगा क्लाक वाइज घुमाया ये डिस्टेंस यूनिट पे आ गया ऐसे करके अब इसको नीचे कर सकते हैं क्लॉक वाइज घुमा के ऐसे और अगर उल्टा घुमाएंगे तो ये ऊपर जाएगा ठीक है तो डिस्टेंस यूनिट पर पहले चलते हैं इस पर दिखा रहा है किलोमीटर्स या माइल्स मैंने शुरू में आपको जो बताया था यहाँ पर जो किलोमीटर्स दिख रहा था कार का कितना रनिंग हुआ है उसको आप किलोमीटर्स पे रखना चाहते हैं या माइल्स पे किलोमीटर्स पर ही मैं रखा हूँ सब लोग यहीं पे रखते हैं किलोमीटर्स पे मुझे नहीं लगता कोई माइल्स पे रखता होगा क्योंकि ये इजी है और फ्यूल इकोनॉमी पे जाते हैं और ये भी यूनिट ही दिखा रहा है किस यूनिट पे आप रखना चाहते हैं किलोमीटर पर लीटर या फिर लीटर पर हंड्रेड किलोमीटर और नीचे ये सब बाहर के यूनिट्स हैं विदेशी देश के इसको सिंपल ही रखते हैं और लैंग्वेज मतलब किस लैंग्वेज में आप दिखना चाहते हैं ऑप्शन है, है इंग्लिश फ्रेंच स्पेनिश जर्मन इटालियन रशियन टर्किश जो भी आपको चाहिए अगर आपको इन सब भाषा में से कोई भी भाषा आती है तो बहुत बढ़िया उसी पे रखिएगा फ्यूल रिसेट ये है आपने जब शुरू में देखा था ना जो दिखा रहा था कार का कितना माइलेज है ट्वेंटी पॉइंट थ्री वह आप कैसे रखना चाहते हैं आफ्टर यू फिल पे अगर आप रखेंगे तो मतलब जितनी बार आप तेल भरेंगे कार में वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा मतलब आज अगर मैंने तेल भर दिया तो तेल भरने के बाद वो रीसेट हो जाएगा और जब तक ना मैं दोबारा तेल भरता हूं तब तक का वो माइलेज दिखाएगा कितना विथ ट्रिप ए अगर आप करेंगे तो, तो फिर जितनी बार आप अपना वो टैक क्या कहते हैं किलोमी वो ट्रिप है ना ट्रिप ए बी उसको अगर रीसेट करेंगे तब तक वो चेंज होता रहेगा और मैनुअली तो आपको पता ही है मैनुअली वह होता रहेगा और ये टेम्परेचर पे अगर हम जाएं तो डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट किस पे आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं और सेट सेंसर्स हाँ ये है नॉर्मल मोड या ट्रेलर मोड नॉर्मल मोड मतलब आपको तो पता ही है जो पीछे पार्किंग सेंसर्स होते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए इसकी प्रॉक्सिमिटी में तो ये बजने लगते हैं बी बी बीप करके अगर आप इसको ट्रेलर मोड में रखिए इसका पहले सुन लेते हैं कि नाम क्यों ट्रेलर मोड दिया हुआ है सोचिए कि अगर आप कोई किसी ट्रेलर को टो करना है मतलब सुनने में तो अजीब है कि एक कार ट्रेलर को टो कर रही है लेकिन फिर भी आप सोच लीजिए तो अगर आप एक ट्रेलर को टो करते हैं तो ट्रेलर तो आपके पीछे ही रहेगा और ये बीप बी बचता ही रहेगा इसीलिए अगर आप इसको ट्रेलर मोड पर कर दें तो ये सेंसर्स बंद हो जाएंगे आवाज नहीं करेंगे मतलब सिंपल भाषा में ये पार्किंग सेंसर्स ऑफ या ऑन करने के फीचर्स हैं क्लॉक सेटिंग पे जाए तो पहले एडजस्ट क्लॉक मतलब क्लॉक की टाइमिंग से क्या करना चाहते हैं जो है सही है ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसको दबा के हो गया सक्सेसफुल जो ये सही टाइम है अभी ये मोड्स है ट्वेल्व आवर्स या फिर ट्वेंटी फोर आवर्स इसको भी नहीं छेड़ेंगे और इसको एडजस्ट डेट को तो आपको पता ही यह डेट एडजस्ट करना ठीक है तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं यह डोर लॉक ये कुछ ऑप्शनस आ जाते हैं अगर आप डोर अनलॉक पे जाए तो मतलब अगर आप कार के बाहर हैं और कार लॉक्ड है आपकी जो चाबी है दिखाता तो हूँ आपको ये चाबी है अगर आप बाहर से ये अनलॉक का बटन दबाएं तो अगर आप इसको एक बार दबाएं तो सिर्फ ड्राइवर डोर खुलेगा और एक और बार दबाएं फिर जाके चारों डोर्स खुलेंगे इसको अगर आप ऑल डोर्स पे रखते हैं तब अगर आप इसको दबाएंगे तो फिर एक ही बार में सारे डोर्स खुल जाएंगे मैं तो इसी को ड्राइवर डोर में रखना पसंद करता हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कुछ शरारती दोस्त है अपने एक बार मैंने अनलॉक कर दिया चारों डोर खुल गए अचानक आके बैठ गए वो अंदर फिर बोलते ये करो वो करो इससे अच्छा है एक ही डोर खोले खुद बैठेंगे ये बैक कर दिया ऑटो लॉक ये स्पीड सिंकरो पे आप देख रहे हैं मतलब इसको अगर मैनुअल लॉक में डालें तो कार आप चलाएंगे तो आपको खुद ही इससे या फिर इससे लॉक करने पड़ेंगे डोर्स लेकिन अगर स्पीड सिंक्रो पे रखे इसका मतलब है अगर आपकी स्पीड पंद्रह किलोमीटर पर आवर से ऊपर चली जाएगी तो चारों डोर्स ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे इसी को यहीं पे रखना सही रहेगा क्योंकि बच्चे बच्चे बैठते हैं तो रिस्की हो सकता है अगर डोर खोला हो अभी ऑटो अनलॉक ये आई ऑफ सिंक पे है मतलब अगर आप इंजन का स्टार्ट बंद कर दे तो ये चारों डोर्स ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएंगे और ये अलार्म ये भी ऑन ही है मतलब अगर आप कार में चल रहे हैं और बाय चांस कोई डोर थोड़ा सा खुला रह जाए तो ये बीप बीप, बीप करता रहेगा और आपको यहाँ पे भी डिस्प्ले होता रहेगा कि डोर ऑन तो अब पीछे चलते हैं लाइट्स लाइट्स में फुट लाइट्स जो है ये डोर सिंक्रो मतलब अगर आप दरवाजा खोलेंगे खोल देते हैं तो यहाँ पे आपको एक लाइट जलता हुआ मिलेगा जो पैरों में रात को अभी तो शायद आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैंने जो लाइट वाली वीडियो डाली थी ना उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है ये फोटो और ये लेन चेंज हाँ ये देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप हाईवे पे चलते हैं और आपको किसी ट्रक वक्त को स्पीड में ओवरटेक करना होता है और लेन भी चेंज करना पड़ता है ऐसे ऐसे जा रहे हैं अगले लेन में दाई से घुसाना पड़ता है तो उस टाइम पे इंडिकेटर दो फिर इसको वापस उठाओ इतना टाइम आपके पास नहीं रहता क्योंकि आपको स्पीड में करना होता है ये देखिए लेन चेंज अगर मैंने ऑन कर दिया मतलब वैसे तो आप इंडिकेटर से पूरा डालते हैं है ना लेन चेंज मतलब थो कि थोड़ा आधा आप कर देंगे ऐसा आधा ये देखिए जल रहा है देखा मतलब फिफ्टी परसेंट भी इसको नीचे कर दे के छोड़ देंगे ये तीन बार जलता है देखिए उठा दिया मैंने तीन बार जलता है तो ये बहुत ही हाईवे पे यूज़ होता है बहुत ही काम का फीचर है ठीक है अब नेक्स्ट फीचर पर चलते हैं एंटी थेफ्ट अब दोस्तों मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो ये एंटी थेफ्ट का जो अलग अलग सेंसर्स है शॉक सेंसर फिर शॉक लेंस पी एफ ये मुझे खुद भी आइडिया नहीं ये क्या है अंदर मैंने मैनुअल में भी पढ़ना चाहा लेकिन ठीक समझ नहीं आया तो अगले वाले पे चलते हैं डिस्प्ले आइटम ये है कार कलर आप देख सकते हैं कुछ कलर ऑप्शंस हैं हाँ। तो जैसे कि अगर मैं बैक कर दू सबसे हाँ अब डोर खोलेंगे ये देखिए आपका कलर दिख रहा है कार का सिल्वर दिख रहा होगा हाँ इसी कार का कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन जैसे रेड कर सकते हैं पीला कर सकते हैं मैं आपको रेड करके एक बार दिखाता हूँ फिर से सेटिंग्स पे जाते हैं हाँ चलिए डिस्प्ले आइटम कलर इसको रेड हाँ, पे लाते हैं सेलेक्ट कर दिया सक्सेसफुल वेरी गुड हाँ अब देखिए देखा ये है इसका कुछ चीज तो अब चलते हैं वापस हाँ, कहा थे हम डिस्प्ले आइटम कार कलर इसको रेड पे नहीं रखेंगे क्योंकि अपनी कार तो रेड है नहीं ठीक जमेगी नहीं अपनी कार ग्रे है लेकिन ग्रे का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे और सिल्वर सबसे ज्यादा मिलती है ग्रे से इसीलिए सिल्वर पे डाल देते हैं इसको ठीक है कैलेंडर डिस्प्ले तो कैलेंडर अगर आप देखना चाहते हैं कैलेंडर तो पता ही आपको क्या है ऑन या ऑफ ऑन पे है ठीक है कैलेंडर फॉर्म मतलब टाइम मतलब डेट जो है कौन से फॉर्मेट में डी डी एम एम वाई 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 एम एम डी डी या फिर एम एम डी डी वाई वाई जो भी आपको देखने में कन्वीनियंट लगता है उसी पे सेट कर दीजिएगा फ्यूल इकोनॉमी हिस्ट्री पर जाते हैं तो ये टाइम डिस्प्ले और ड्राइव साइकिल ये कुछ इसके फीचर्स मिल जाते हैं तो ये, दोस्तों यही थे कुछ इसके फीचर्स आप बताइए आपको कैसे लगे ओ हाँ और ये डिफॉल्ट जो है इसको दिखाना मैं तो भूल ही गया डिफॉल्ट मतलब अगर जो सेटिंग्स जो शुरुआत में आते थे जैसे कार मैन्युफैक्चर जब हुई थी तब जो सेटिंग्स थे अगर आप रीसेट करना चाहते हैं तो इसको यस yes कर दीजिएगा मैं तो नहीं कर रहा ठीक है तो यही इसके कुछ फीचर्स थे इसके एम के तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद नहीं आया तो फ्री टू डिसलाइक इट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल पे। ऐसे वीडियोस एवरी अल्टरनेटिव डे कुछ ना कुछ डालता ही रहूंगा ठीक है